Assalamu alaikum dear students, this is your lecture number 5 for ICS second year computer science. Starting in the name of God Almighty, because without His reverence, knowledge is worthless and meaningless. I am your teacher Shahid Barkat. Today's outlines are for revision, language translators, very little about C language, level of C language, basic structure of source code of C language, a written example of source code of C language, and in the end there is a question for you. Dear students, you already know that there are three types of language translators. Compiler and interpreter both are used for high level languages, and assembler is used for assembly language. C language use compiler. Very little about C language. Dennis Ritchie designed and wrote C language at AT and T's Bell Laboratories of USA in 1972 to develop Unix operating system. It is a high level language. It has been used to develop system and application softwares like compilers, word processors, spreadsheets, databases, games, virus and antivirus. Hence, it combines the features of high level language and low level language. Due to this property of sometimes, it is also known as a middle level language. It is a case sensitive language. Dear students, Dennis Ritchie ने इस सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए 1972 में डिज़ाइन किया था, और इसी तरह सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, और सी हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद हम इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते रहे हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये सीखने में हाई लेवल लैंग्वेज की तरह आसान है और यूज़ करने में इतनी पावरफुल है कि लो लेवल के फंक्शंस को भी टच करती है. तो इसी फीचर की वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सीखने में आसान है और यूज़ करने में बहुत पावरफुल है. और इसमें कंपाइलर्स, वर्ड प्रोसेसर जैसे कि एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट्स जैसे कि एमएस एक्सेल है, और इस तरह हम वायरसेस, गेम्स, डेटाबेसेस वगैरह इसमें बढ़िया बना सकते हैं. और केस सेंसिटिव के मीनिंग्स ये हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आसानी से फ़र्क समझती हैं, और जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती. तो बेसिकली सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है. तो हेयर आर फ्यू पिक्चर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये हैं डेनिस रिची, ये 1941 में पैदा हुए थे और 2011 में इनकी डेथ हुई. तो आप देख सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रेसफुल है, और डेफिनेटली इनके साथ इनके टीम थी. तो उनमें से एक उनके फ्रेंड कैन थॉमसन, तो आप देख रहे हैं कि ये जब ये बिल्कुल यंग थे तो उनके फ्रेंड साथ कैन थॉमसन, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैन थॉमसन और डेनिस रिची, तो सेंटर में ये डेनिस रिची मौजूद हैं, और यहाँ पर उन बिल क्लिंटन जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं वो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप देखिए कि वो कितनी ऑनर दे रहे हैं उनको कि प्रेसिडेंट ने उनके अपने दोनों हाथों से उनका मतलब उनका हाथ पकड़ के उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि डेनिस रिची और कैन थॉमसन कितने ग्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, जबकि प्रेसिडेंट शायद इतने ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं है जितने के ये दोनों नज़र आ रहे हैं. ओके, तो बेल लैब्स की ये पिक है आपके पास सामने, तो आप देख रहे हैं कि ये न्यू जर्सी में मौजूद है, तो ये बहुत फेमस रही है और अब भी है. ओके, लेवल ऑफ सी लैंग्वेज, तो आपको पहले मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस बाकी तमाम लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं. तो लेकिन सी लैंग्वेज को देखिए, हमने
हाई लेवल में भी इंट्रोड्यूस मतलब यहाँ पर शो कर रहे हैं, और मिडिल लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी इसको सी लैंग्वेज को शो किया जा सकता है। ओके तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो वेल स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि ये सारा एक आपको स्ट्रक्चर शो कर दिया गया है इसका। तो ये जो हैश का जो साइन है, ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, यानी कि हम कंपाइलर या कंप्यूटर को भी पहले ही बता देते हैं कि वो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन पहले ही दे देते हैं। जैसे कि अगर आप बोर्ड में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होते हैं, तो बोर्ड जो है वो पहले ही आपको बता देता है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्शंस या डायरेक्टिव्स वो पहले ही बता देते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने प्रोग्राम में शुरू में ही वहाँ डायरेक्टिव्स बता देते हैं कि कंपाइलर को पहले ही हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ताकि उसको ताकि वो हमारे प्रोग्राम का उनको हिस्सा बना दें। ओके तो ये जो मैंने रेड कलर में जो वर्ड्स लिखे हैं, इंक्लूड और वॉइड मेन वॉइड, ये जो हैं ये स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे हैं, तो उनको आप उसको स्मॉल में ही लिखना होता है। जबकि ये जो मैंने स्टूडियो डॉट एच लिखा है, ये हेडर फाइल है, और हेडर फाइल्स बहुत सारी हो सकती हैं। ये मैंने 4 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई हैं, स्टूडियो डॉट एच, कॉर्निया डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच। इसको आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। और इसमें याद रखिए कि ये हेडर फाइल्स बहुत सारी बेशुमार होती हैं, और ये पहले की भी मौजूद हैं, और आप चाहें तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से हेडर फाइल खुद भी बना सकता है, जितनी भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इन्हीं के अंदर फंक्शन लिखे होते हैं जो कि हम यूज़ करते रहेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास मेन फंक्शन ये void मेन void, तो आप सी लैंग्वेज में जब कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कम से कम उसमें एक फंक्शन लाजमी होगा, और वो मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का आपका हिस्सा होगा, और इसमें ये यही असल में आपके प्रोग्राम को ड्राइव करता है, यानी यही प्रोग्राम क्या कुछ चलाता है। तो इसमें देखिए कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, इनको हम यहाँ पर डीलिमिटर्स कहते हैं, डीलिमिटर्स। तो इसकी वजह ये जितना प्रोग्राम बड़ा होगा उतना ही हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा एक ब्लॉक बना होता है, तो अगर एक स्टेटमेंट होगी तो बहुत छोटा होगा ये ब्लॉक, अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो बहुत बड़ा ब्लॉक बना सकते हैं। तो इसी तरह ये आपके पास जो है, ये आपके पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, जो स्टेटमेंट्स आप इसके अंदर लिखते हैं ब्लॉक के, ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को जब भी आप एंड करते हैं तो वो उसके लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। तो सेमी कॉलन जो है उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, अब एक इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो हियर इज़ एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने 2 हैश इंक्लूड यूज़ किए हैं, एक स्टूडियो डॉट एच के लिए, एक कॉर्निया डॉट एच के लिए। तो ये दोनों ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं या कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जो मैंने लाइंस लिखी हैं, इसमें CLR SCR यानी कि क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एफ, मैंने लिखा है डेनिस रिची। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है और CLR SCR भी एक फंक्शन है। तो यहाँ देख रहे हैं आप स्टूडियो डॉट एच में प्रिंट एफ फंक्शन मौजूद है, और यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि स्टूडियो डॉट एच में वो फंक्शन उठा सकता है, वहाँ से प्रिंट एफ फंक्शन उसको ढूंढेगा, तो उसको स्टूडियो डॉट एच में मिल गया। ये मैंने उसको पहले ही उसको एग्जांपल दे दी थी, पहले ही उसको मैंने डायरेक्शन दे दी थी कि वहाँ से वो पिक करे। और इसी तरह कॉर्नियो के लिए भी मैंने कह दिया कि जो मैं फंक्शन यहाँ यूज़ करूँगा वो उसको यहाँ से मिल सकता है। तो उसने इस फाइल को अपने साथ इंक्लूड कर लिया हुआ है, तो वो इसलिए यहाँ से उसको फंक्शन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसी तरह ये जो void main void जो फंक्शन है, ये बेसिकली डिटेल में आप चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे, जो कि है ही सारा का सारा चैप्टर फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारा इस वक्त सोर्स कोड मतलब कि छोटा था, तो हमने एक छोटा ब्लॉक बनाया और उसमें सिर्फ 2 लाइंस हैं या 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने हमारे डिलिमिटर्स भी या एक छोटा सा ब्लॉक बना है, तो हम डिलिमिटर्स यूज़ करके उनको क्लोज़ कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारा है, ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं या बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, और इसी तरह आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन दी एंड देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, व्हाई सी लैंग्वेज इज़ आल्सो कैटेगराइज्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो आई डू होप कि आप मुझे बहुत जल्द आंसर देंगे।
गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.